भारतीय सेना ने कॉलेज के छात्राओं को जंग समय अपनी तथा अपने साथियों की रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया। सेना ने युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से 11 आरआर बटालियन में साहसिक खेल शिविर 2021-22 का आयोजन किया, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र के मूल्यों को समझने के लिए प्रोत्साहित करना था। भारतीय सेना द्वारा कॉलेज के छात्र और छात्राओं को आपदा की स्थिति में खुद को बचाने तथा अपने साथियों की रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि किस प्रकार भारतीय सेना जंग के समय अपनी और अपने लोगों की रक्षा करती है। जिन छात्रों का सपना है भारतीय सेना में जाने का, देश की रक्षा करने व सेवा करने का उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आज का प्रशिक्षण। इस मौके पर भारी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं, कॉलेज के अध्यापक व भारतीय सेना के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। मैं आकांक्षा गुप्ता जीडी सी नौशहरा की स्टूडेंट हूँ। मैं नौशहरा ब्रिगेड और 11 राज राइफल्स का थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे अपने अपनी यूनिट के अंदर लाया और हमें काफ़ी जहाँ पे ये खुद ट्रेनिंग्स करते हैं वहाँ पे हमें ट्रेनिंग करने का मौका दिया। मतलब हमें भी ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे ये ऑब्स्टिकल्स पास करते हैं, हमें भी ऑब्स्टिकल्स पास करने का हमें मौका दिया इन्होंने। काफ़ी बच्चों ने कर लिया, अब हम भी करेंगे इसको जैसे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है इस चीज़ में कि कैसे कैसे ऑब्स्टिकल्स में पास होते हैं, कैसे कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स का इनको सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे ये अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं, उस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पे देख रहे आज। Myself निहारिका गुप्ता, आई एम फ्रॉम GDC नौशहरा। आज हमारे भारतीय सेना ने हमारे लिए एक ट्रेनिंग का प्रबंध किया हो गया है। यहाँ पे जैसे हम देख ही रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एक अरोमा ब्रिज या क्रॉलिंग, काफ़ी चीज़ें इधर हमें बताई जा रही हैं। इवन कि हमें पहले उन्होंने टिप्स दी कि आपको ऐसे ऐसे करना है, पहले उन्होंने हमारे भारतीय सेना ने हमें करके दिखाया, देन उन्होंने हमें बताया कि आपको ऐसे करना है। तो पूरा फुल गाइडेंस से हमें सिखाया जा रहा है और ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है सभी के लिए। इवन मतलब काफ़ी गर्ल्स भी इंक्लूड हैं इसमें, बॉयज़ भी हैं, सभी ये मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस चीज़ में और सभी खुशी खुशी हर एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। कितना फ़ायदा होगा आपको? फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा क्या ही है, मतलब कुछ गर्ल्स जो NDA वगैरह देना चाहती हैं या फिर कुछ इस मतलब इस लाइन में जाना चाहती हैं तो वो इस चीज़ के लिए पहले से ट्रेन कर रहे हैं। और हमें सर बोल रहे थे कि आपको इसके लिए आपको मतलब स्टडी भी करवाई जाएगी अगर हम लोग इनको प्रेफर करें, मतलब स्टडी के लिए, तो ये हमें स्टडी के लिए भी प्रेफर करेंगे और हमें अच्छी नॉलेज भी देंगे।